ये मेरा लैपटॉप है, ये मैं हूँ और पारी तो नहीं हो रही क्योंकि हैशटैग टेकन एपिसोड है, तो हम करने वाले हैं रिएक्टिंग। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह। ऑलराइट गाइस, हैशटैग टेकन एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ अपने पुराने वीडियोस पे। सारो उसका जो भी आपका सवाल है वो लिख के आप कमेंट कर दीजिए, उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखेंगे कि स्टार्टिंग में मैं कैसे वीडियोस बनाता था, किस तरह से मैं बोलता था, कैसे शुरुआत हुई, उसके बाद मैंने अपना फेस कैम कैसे किया, किस तरह से मैं उस टाइम पे वीडियोस बनाता था, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो कानों में हेडफोन लगा लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। तो ये था दोस्तों मेरा सबसे पहला वीडियो, आप देख सकते हो ये करीब 5 साल पुराना वीडियो है और ये वीडियो का नाम था दोस्तों हाउ टू यूज फ्री 3G इंटरनेट। चलिए इसे ओपन करते हैं। तो ये जो वीडियो है दोस्तों 18 नवंबर 2015 को अपलोड किया गया था और इससे एक दिन पहले ही चैनल बनाया गया था। फ्री में इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं अपने मोबाइल पर, सीखने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। अबे जल्दी बोल, पनवेल निकलना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अपने मोबाइल में ओपेरा मिनी हैंडलर इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले ओपेरा मिनी हैंडलर ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है ना, बेसिकली उस टाइम पे मेरे को आता था जब उस टाइम पे 3G यूज हुआ करता था, तो उस टाइम पे ये जो ट्रिक है बेसिकली एयरटेल की वजह से मैं यूज किया करता था, जहां पर आपको ओपेरा का एक मॉडिफाइड वर्जन मिलता था और वहां पर आप आईपी एड्रेस डाल सकते थे, जहां पर आप बेसिकली आईपी एड्रेस को बाईपास करके फ्री इंटरनेट यूज करते थे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको प्रॉक्सी टाइप चेंज करनी है और प्रॉक्सी सर्वर एंटर करना है। तो सबसे पहले प्रॉक्सी टाइप को चेंज करके रियल होस्ट पे चेंज कर दीजिए। उसके बाद प्रॉक्सी सर्वर आपको ऐड करना है जो कि है 203। ये एंटर कीजिए। उसके बाद आपको क्लिक सेव पे दबाना है, यहाँ पे क्लिक करके इस नेटवर्क को HTTP पे क्लिक कर देना है। चलिए देखते हैं कुछ टाइप करके ये यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने अपना चैनल का नाम सर्च करा, टेक्नोलॉजी ज्ञान, तो देखिए ये सर्च हो रहा है फ्री इंटरनेट। इस तरह आप फ्री इंटरनेट यूज कर सकते हैं एयरटेल पे। तो दोस्तों एक्चुअली में ये जो ट्रिक था उस वक्त काम करता था एंड पर्सनली मैं इस ट्रिक को यूज भी करता था, जहां पर एक लिमिट होती थी लाइक 150 MB 120 MB तक आप फ्री 3G डेटा को यूज कर पाते थे बाईपास करके आईपी एड्रेस को। एंड उस टाइम पे दोस्तों 150 MB बहुत हुआ करता था सच बताऊं तो। वैसे दोस्तों अगर आप ये ट्रिक अभी ट्राई करोगे तो शायद ये ट्रिक काम ना करे, क्योंकि जो ट्रिक है दोस्तों बहुत पुराना हो चुका है, तो ट्राई करने की कोशिश मत करना। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे पहले मैं बहुत ही स्लो बोला करता था, वो इसलिए क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे मुझे प्रैक्टिस नहीं थी इतनी ज़्यादा। इससे पहले भी मेरा एक चैनल था जो डिलीट हो गया था, बट इतने वीडियोज़ मैंने नहीं बनाए थे उस पर। नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये था मेरा फर्स्ट फेस कैम। जी हाँ, फाइनली आज मैंने अपना फेस रिवील कर दिया है। तो आज का ये वीडियो हमारे चैनल अपडेट के लिए है, यानी आज के बाद जो भी आप वीडियो देखेंगे उसमें मैं आपको दिखाई दूंगा। जी हाँ, इससे पहले मैं जितने भी वीडियोस बनाता था सारे एनिमेशन पे होते थे, मतलब पावर पॉइंट की मदद से मैं एनिमेशन बनाता था। लेकिन जो दोस्तों मेरा फर्स्ट फेस कैम आया वो आया दोस्तों 11 फरवरी 2017 को, 11 फरवरी 2017 को, फरवरी का महीना देख लो, मतलब लोग इस टाइम पे पता नहीं कौन सा टेडी डे, हग डे, पता नहीं कौन कौन सा डे मनाते हैं, मैं वीडियोस बना रहा था। समझ रहे हो ना। इस वीडियो का टाइटल था दोस्तों चैनल अपडेट हैशटैग आस्क मी एनीथिंग वाला, और इसमें अगर पहला सबसे पहला आप देखोगे तो इंट्रो काफी इंटरेस्टिंग था उस वक्त। मैं आपको इंट्रो प्ले करके दिखा देता हूं। नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी के अंचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनोज सारू। जी हाँ, फाइनली आज मैंने अपना फेस रिवील कर दिया है। यार उस टाइम पे मैं कितना पतला था ना, लाइक फेस कट देखो उस पे किस तरह से इस तरह से आता था, और अभी देखो कैसे क्या हो गया। अगर आप इस वीडियो में देखोगे बैकग्राउंड में आपको दोस्तों जो ग्रीन स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इसके पीछे एक दरवाजा है ब्लू कलर का, जो देखने में इतना अच्छा नहीं था, इसी वजह से मैंने ग्रीन स्क्रीन लगा लिया था। हालांकि मैंने एक ब्लैक स्क्रीन भी, मतलब ब्लैक कपड़ा भी एक बाई किया था पर्दे टाइप का, और उसको भी लगाया था, बट वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, शॉर्ट पड़ गया, तो ग्रीन मैंने स्क्रीन लगा दिया। मैं लग रहा था कि अगर मैं ग्रीन स्क्रीन लगाऊंगा तो मैं उसे रिमूव कर सकूंगा और बाकी बैकग्राउंड में मैं अपनी मर्जी से लगाऊँ, बट उस टाइम पर सॉफ्टवेयर इतने पावरफुल नहीं थे, लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी कि ग्रीन स्क्रीन भी अच्छे से काम कर सके, बट समहाउ किसी ना किसी तरह मैंने मैनेज किया
800 रुपये के आसपास करीब मैंने टेबल को बाई किया। एंड उसके बाद मैंने कुछ समय बाद लाइक थोड़े से पैसे आने लगे इंटरनेट की दुनिया से, ब्लॉगिंग से, यूट्यूब से, तो मैंने यहाँ पर एक DSLR भी बाई कर लिया। और उसके बाद मैं धीरे धीरे मेरे को लगा चलो यार क्वालिटी को हम इम्प्रूव करते हैं। तो ये उस वक्त की बात है जब दोस्तों हम एक सिंगल रूम में हुआ करते थे। तो फ्री टाइम में नहीं कहूँगा मैं, रात को सोते वक्त लाइक सब लोग मेरे घर के सो जाते थे एक ही रूम में, और उसके बाद मैं किचन में जाता था और शूट करने लगता था ताकि चारों तरफ शांत रहे और जो वॉइस है वो अच्छे से जा पाए लोग। लेकिन फिर भी कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ जाती थी। उसके बाद कभी पता नहीं कैसे कूलर चलने की आवाज़ आती थी, तो कभी पंखे की आवाज़ आती थी, और जब मैं किचन में कुछ भी पंखा नीचे ऑन करता था दरवाज़ा चारों तरफ से बंद हुआ करता था, तो पूरा एकदम बोलते ना कहीं से भी हवा नहीं आना। सोचो गर्मी के टाइम में ऐसी जगह पे शूट करने पे क्या होता है जहाँ पर आप खाना बनता है, सोचो। तो यहाँ पर एक्सक्यूजेस नहीं, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके पास जो चीज़ें हैं ना उसी को आप यूज़ करो, उसी से आप बेस्ट करने की कोशिश करो, बाद में अपने आप दोस्तों जो सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो सारी चीज़ें आ जाएंगी। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, मेरे बारे में जानने को मिला होगा कि मैंने कैसे शुरुआत करी थी, मतलब स्टार्टिंग में, और आज कहाँ पर हूँ आप लोगों के प्यार से। तो उसके लिए थैंक यू। आई होप दोस्तों मज़ा आया होगा आपको इस आज #TechN एपिसोड में, कुछ सीखने को मिला होगा, थोड़े से मज़ा भी आया होगा, मेरे बारे में जानने को भी आपको मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, नीचे कमेंट में शेयर करना अपनी राय, आपकी स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय।